नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों ये RICT मिशन के संबंध में और नेटवर्क ना मिलने के कारण बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत पुराना का RICT मिशन है, इसमें कोई अपडेट नहीं आया। यही RIC इतना समय बदलोने के बाद गवर्नमेंट के अंदर रूरल एरिया में कम से कम BO के अंदर एक कंप्यूटर ब्रॉडबैंड नेटवर्क और ये प्रिंटर का उपलब्ध नहीं करने का प्रयास नहीं कर रहे। इसी संबंध में हम लोगों एक लेटर लिख के आग्रह किया। हाल ही में देश भर से हम लोग कन्याकुमारी से काश्मीर तक को हर जगह में ये समस्या है नेटवर्क का विषय से लेकर। इस RICT मिशन लॉगिन किए हो तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, घूमता रहता है। और यदि नहीं हो तो नेटवर्क ट्रांजैक्शन आप काम के कुछ समय के बाद हो फिर दोबारा रिस्टार्ट करो बोलता है, लॉगिन करो बोलता है, दोबारा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है बोलता है। इस तरह दिन भर इसी तरह परेशानी में रहना पड़ता है। इस सारे चित्रण का हम लोग का एक कर्नाटक से एक चिकमंगलूर डिवीजन से हमारा रीजनल अध्यक्ष ने चंद्र प्रकाश करके एक लेटर लिख के भेजा था, 3 पेज का लेटर का। मैं ये लेटर का फॉरवर्ड करते हुए हम भी एक अच्छा नोट लेटर बना के इस लेटर में आप साइड में इधर में डालूंगा। ये लेटर में हम लोगों क्या क्या परिस्थिति विवरण करने के लिए कोशिश किया सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। कम से कम इस तरह समस्या ये लोग भी जानता है, फिर भी नेटवर्क में कोई पिछली 5 साल 6 साल से भी यही है बोलने से क्या होता है, कुछ परिवर्तन। परंतु टारगेट देने समय में आपका दूसरी तरफ से परेशानी करने में तो इसमें कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है, काम कम हो गया, रिव्यू इसमें कोई लेना देना नहीं होता। सरकार हिसाब से काम करता चलता है। इसलिए इस संबंध में हम लोग डिपार्टमेंट को लेटर लिख के आग्रह किया है, इसमें सुधारना चाहिए, जो इक्विपमेंट उपलब्ध करना चाहिए। हम लोगों इसी साल दूसरी तीसरी लेटर हम लोग लिखा है डिपार्टमेंट के, हर मीटिंग में इस पर चर्चा होता है। परंतु प्रशासन का काम है, आप मालूम है, बहुत धीरे से मंद गति में चलता है। साथियों, फिर भी हम लोगों ये समस्या वगैरह आने के बाद बहुत अच्छा तरह लेटर लिख के तो सरकार के सामने समस्या रखा है। सरकार इस पर विचार करना है। IPBP का हम लोग पिछली एक वीडियो में भी बोला था, IPBP ट्रेनिंग के लिए हमारा से पैसा लेना चाहता है, हमारा पर्सनल डाटा लेना चाहता है। यदि दूसरी तरफ से ब्रिंग योर ओन हैंडल डिवाइसेस करके या आपका मोबाइल के यूज करके करो करता है, इसमें क्या कल परेशानी आएगा, कोई इसका अभी चिंता नहीं करेगा। यदि प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग आपका कोई संबंध नहीं, आप पैसा भरो और आपका डिसमिस करेगा, इस तरह होता है। इसलिए इसमें यदि डिपार्टमेंट आप लोग का सही इक्विपमेंट दिया, सही आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो और नहीं हो तो मोबाइल दिया हो तो इसी में काम करिए। आप खुद का मोबाइल पर काम करने से होता, आप ग्रामीण क्षेत्र में एक ही मोबाइल में सारे परिवार होता, कोई जगह में आज का आपका पर्सनल डाटा OTP लेके ओके ये हो तो बहुत समस्या हुआ है। मैं पिछली एक वीडियो में बोला था, राजस्थान में IPBP ऑफिसर में बोल रहा हूँ, जयपुर से हम आपका ये OTP मांग रहा हूँ, ये OTP दे देना, आपका इस समस्या का समाधान कर लेता करके पैसा ले लिया, मतलब बाहर का लोग हो सकता। परंतु इस तरह में हमारा में अभी भी कमी है। इसलिए आपका मोबाइल यूज मत करिए सरकार का काम के लिए। सरकार का काम के लिए आप सरकारी का डिवाइस लेके काम करने की कोशिश करिए। उनको प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क नहीं हो तो हम लोग क्या कर सकता। हाँ, हम लोग के ऊपर परेशानी, दो दो काम करना पड़ता है। मैं गया वो तो एक बार आप डिवाइस में काम किया, फिर दोबारा जनरल में लिखना पड़ता है, दोनों तरफ से काम करके आज 7-8 घंटा हो रहा है। फिर डिपार्टमेंट बोलता है कामे नहीं करता, फिर 40% GDS एम्प्लॉइज लॉगिन नहीं करता करके बोलता है। इस तरह समस्या साथियों, इसलिए हम लोग भी इसका सारे समस्या सरकार के सामने रखा है। परिस्थिति ऐसे नहीं है, सही साइंटिफिक को मॉडर्नाइज इक्विपमेंट नहीं दे रहा है, इसका ये उपलब्ध होना चाहिए करके आग्रह करके हम लोग लेटर लिख के इस पत्र के द्वारा आग्रह किया है। यही इस वर्ष में तीसरी लेटर हम लोग लिखा है, यही मैं बोलने के लिए वीडियो में बनाया। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।